पूरे साल की मेहनत का परिणाम, बस कुछ ही घंटे में यूपी बोर्ड के नतीजे जारी। सबसे पहले कहां देख सकते हैं आप रिजल्ट? माँ बाप की मेहनत भी लाएगी रंग, बस कुछ ही देर में 10वीं और 12वीं के नतीजे। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के बच्चों का परिणाम बस कुछ ही घंटों में आने वाले हैं। 10वीं और 12वीं के यूपी बोर्ड के 55 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को अपने रिजल्ट का इंतजार है। 20 अप्रैल यानी आज दोपहर करीब 2 बजे परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी करने के लिए पहले ही कार्य पूरे कर चुके हैं। बोर्ड ने महज 12 दिनों में 3 करोड़ से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं को जांच की है। इस साल यूपी बोर्ड परिणामों को लेकर पिछले वर्ष की अपेक्षा जल्द जारी किए जा रहे हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा अपना रिजल्ट देखने के लिए आप लोग result.upmsp.edu.in या फिर upmsp.edu.in और uprizults.nic.in पर चेक कर सकते हैं। अगर पिछले वर्ष की बात की जाए तो पिछले साल रिजल्ट 25 अप्रैल को घोषित किए गए थे। इस बार 5 दिन पहले ही ये रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। वहीं इस बार केवल 12 दिनों के अंदर ही परीक्षा भी करवाई गई थी। पिछले वर्ष ये 15 दिनों में पूरे हुए थे। नकल मुक्त परीक्षा पूरे कराने के लिए उत्तर प्रदेश की बोर्ड ने कॉपियों के मूल्यांकन में इस बार नया रिकॉर्ड बनाया है। यूपी बोर्ड के सचिव ने बताया कि देश में सर्वाधिक परीक्षा संख्या वाले बोर्ड के लिए व्यवधान रहित नकल मुक्त परीक्षा का आयोजन अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रदेश की सभी 259 मूल्यांकन केंद्रों पर सतत निगरानी के बाद केवल 12 कार्य दिवसों में मूल्यांकन कार्य संपन्न कराए गए हैं। यूपी बोर्ड की 13,01,00,000 उत्तर पुस्तिकाओं की चेकिंग की गई। 1,47,097 परीक्षाओं को नियुक्त किया गया था। इसमें 10वीं परीक्षा की 1,76,00,000 कॉपियां थी। वहीं 12वीं परीक्षा की 1,25,00,000 उत्तर पुस्तिकाएं थी, जिन्हें सबसे पहले चेक किया गया। और अब 10वीं और 12वीं के उत्तर प्रदेश बोर्ड के बच्चों के इंतजार का समय बस खत्म होने वाला है। और ऐसे वक्त में अब बच्चों की सांसें भी तेज चल रही हैं, क्योंकि इंतजार के साथ साथ धड़कने भी ऐसे वक्त में तेज हो जाती है। बच्चों के साथ साथ माता पिता और परिवार के सभी सदस्य बच्चों की बोर्ड परीक्षा में उनका साथ देते हैं। ऐसे में ये इंतजार और भी लंबा उन्हें लगने लगता है, क्योंकि हर कोई अच्छे परिणाम का इंतजार कर रहा होता है। ऐसे में बस कुछ ही घंटों में बच्चों को उनके पूरे साल की मेहनत का परिणाम मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।